तो इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही थी, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, विधायक दल की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक से ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है खत्म हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है बाहर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आफताब अहमद जी से बात करते हैं। आफताब जी, जो बैठक खत्म हुई है इसमें क्या एजेंडे रहे, क्या कुछ जो है निर्णय लिए गए? जो भी अब हरियाणा का कल विशेष सत्र है और विधायक दल की मीटिंग में जो पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया है चंडीगढ़ के ट्रांसफ़र करने का, उसके सिलसिले में आज रहा और उसमें हरियाणा और पंजाब के जो भी विवादित मुद्दे हैं, चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा है, SYL का है, चाहे टेरिटरी का है, चाहे चंडीगढ़ का है, वो सारे इन टोटैलिटी में होंगे और अकेले अकेले करना ये संविधान का भी और मैं कहता हूँ पॉलिटिकल स्टंटबाजी ज़्यादा है, जुमलेबाजी ज़्यादा है, ना कि वास्तविकता उसमें किसी चीज़ को हटाने के लिए है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी है और इसमें फेडरलिज्म का भी है, तो सबको दरकिनार करके सरकार का ये असंवैधानिक जो रेजोल्यूशन है जिसका हम विरोध करते हैं। सुरेंद्र जी से बात करते हैं। विधायक दल की बैठक रही, क्या एजेंडे रहे, क्या कुछ जो है अब आगे रहे? कल विधायक का सत्र भी बुलाया गया। देखिए तो विधायक दल की जो बैठक बुलाई माननीय हुड्डा साहब ने, ये है कि जो पंजाब सरकार ने जो चंडीगढ़ के लिए जो प्रस्ताव पास किया है उसके विरोध में कल हम सभी कांग्रेस के विधायक जो हैं के लिए जो विरोध। तो देखिए लगातार विधायकों से बातचीत कर इस तरीके से जो यहाँ पर बैठक है वो जो है खत्म नजर आई है। कुछ और विधायकों से अगर हम बात करें, सर आपसे जानना चाहें कि अब बैठक जो है अंदर रही है, कल विधानसभा का सत्र भी है, पंजाब का जिस तरीके का स्टैंड निकल कर सामने आया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या जो है हरियाणा में तमाम पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए? ये पहली बार नहीं है, पंजाब ने पहले 7 बार रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और इसमें पार्टी नहीं हरियाणा का हर बच्चा एक साथ खड़ा है कि किसी भी सूरत में पंजाब को चंडीगढ़ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सर SYL को लेकर हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो क्या ये सब मसले जो है पहले कहीं ना कहीं सॉल्व होने चाहिए? बिल्कुल सॉल्व होने चाहिए, उससे पहले जो पहले समझौते थे इसको लेकर हम माननीय राष्ट्रपति माननीय अपने प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि SYL को बनाया जाए, हरियाणा को पानी दिया जाए, खासकर साउथ हरियाणा की सबसे बड़ी डिमांड थी SYL की, वो आज तक पूरी नहीं हुई, उसको लेकर के जहाँ तक भी जाना होगा वहाँ तक हम अपने विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जाएंगे। देखिए बिल्कुल तमाम जो विधायक हैं उनसे हम आपकी बातचीत करा किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो जो है इस वक्त विधायक दल की बैठक है वो जो है खत्म जो है करी है और साफ तौर पर कल जिस तरीके से विधानसभा का सत्र रहने वाला है उसको लेकर रणनीति जो है कहीं ना कहीं जो है बनाती हुई जो है कांग्रेस जो है नजर आई आज की इस बैठक में। अब सबसे अहम मसला ये कि कल जिस तरीके से सत्र रहेगा तो उसमें कुछ जो है निकल कर सामने आता है, लेकिन SYL का पानी जो है हरियाणा को सबसे पहले जो है मिलना चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के हक में जो है फैसला दिया है, तो ऐसे में हरियाणा के हक का जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा जो है मिल चुका है, तो ऐसे में अब पंजाब जो है उसको पहले पूरा करें, ये तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक है वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हो। इसमें आगे अगर कहीं जाना हो, प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी, राष्ट्रपति मुलाकात करनी हो SYL नहर को लेकर, तो वो आज जो है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो आज जो है पहले होना चाहिए। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि ये समझना और समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से पंजाब चंडीगढ़ की मांग तो कर रहा है लेकिन SYL का मुद्दा जो उठाया जा रहा था उस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से और CM भगवंत मान की तरफ से कोई खासी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मसला उठाया जा रहा है SYL को लेकर जो और अन्य जो मसले उठाए जा रहे हैं जिसमें टेरिटरी की बात करें वो कहीं ना कहीं जो है जो तमाम जो 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 पंजाब की सरकार है वो मिलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन हमने अब जो ये विधायक दल की बैठक की या फिर BJP के नेताओं से जब बातचीत की तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो जो गीता बुक्कल जी हमारे साथ करने के लिए मौजूद, क्या आज की बैठक में निर्णय लिए गए? बिल्कुल बाहर चल के जो है गीता बुक्कल जी से बात करते हैं। मैम अब आप चाहेंगे कि कुछ अहम निर्णय जो आज की इस बैठक में ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हमारे सभी विधायक साथीगण, विशेष आमंत्रित हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सभी यहाँ पर मौजूद थे। जो कल बार बार जो कांग्रेस पार्टी की ये मांग थी कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, स्पेशल
सत्र बुलाया जाए तो कल 5 को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सत्र है, जिसमें पंजाब की विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी की सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आई कि चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो पंजाब को दी जानी चाहिए, उनका पूरा हक है। जबकि जो समझौते हुए हैं उसके हिसाब से जो 60-40 का समझौता हरियाणा और पंजाब का हुआ, यूनियन टेरिटरी के रूप में चंडीगढ़ है, साथ ही साथ में वो पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की राजधानी भी है। हम किसी भी प्रकार से अपने हकों पर इस तरह से डाका जो है नहीं पड़ने देंगे, तो इसीलिए कल का स्पेशल सत्र बुलाया गया। उस सत्र में हम लोग ये भी मांग करेंगे कि SYL का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में किया हुआ है, हमारी लाइफलाइन है, हमें हमारे हिस्से का पानी चाहिए, तो उसमें भी फैसला किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है सरकार उसमें भी अच्छे ढंग से पैरवी करे। और साथ ही साथ में जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया है कि हम लोग इसके बाद जो है माननीय गवर्नर महोदय से समय लेने का प्रयास करेंगे, सरकार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से समय लेने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में देश के राष्ट्रपति जी से भी समय लेने का प्रयास करके अपनी मांग को रखने का काम करेंगे। एक सवाल ये कि मैम, जिस तरीके से पंजाब में नई सरकार बनी है, कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से चंडीगढ़ का मसला उठाया गया है, कहीं ना कहीं जो भाईचारा है हरियाणा पंजाब का वो भी बिगड़ता हुआ जो है नजर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत इस तरह के वायदे पूरे मतलब कर दिए जो कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा ऑलरेडी कांग्रेस ने किया हुआ था, वो तो फाइल ऑलरेडी गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया रहा, और ये पहली बार नहीं है कि पंजाब ने इस तरह का रेजोल्यूशन 7-8 बार पहले भी इस तरह से कर चुके हैं। तो हरियाणा के सभी दलों को मिलकर, न केवल राजनीतिक व्यक्ति बल्कि आम व्यक्ति को मिलकर भी अपने हकों की लड़ाई जो है अच्छे से लड़ने का काम करना चाहिए। चलिए ठीक है स्पर्श।